आज ग्रामीणों व चाय बागानों के मजदूरों का जीविका कैसी चलती है यह जमीनी हकीकत आप भी जानते हैं और हम भी। आज के इस समय में भी जहां सरकार मुफ्त सिलेंडर तो दे देती है, लेकिन समाज में कुछ ऐसे भी वर्ग हैं जहां इस महंगाई में इनके पास गैस सिलेंडर भरने तक के पैसे जुटा पाना मुश्किल होता है। खैर, इन बातों का जिक्र इसलिए उठाया हूँ, दरअसल आज 5 ग्रामीणों अपने घर के चूल्हे के लिए जलावन लकड़ी या यूं कहूं अपने मजबूरी हालात में अवैध तरीके से जंगल में प्रवेश करते हैं। तभी अचानक जल्दा पड़ा जंगल में जलावन लकड़ी इकट्ठा करते समय 5 लोगों में एक महिला को बाइसन हमला कर देता है। हालांकि इस हमले के समय अन्य 4 लोग भागने में कामयाब हो जाते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार बाइसन की दौड़ने की आहट सुनते पांचों लोग तेजी से दौड़ने लगे और उनमें से एक भागते समय एक महिला नीचे गिर जाती है और बाइसन इसी मौके को देख उक्त महिला के पीठ पर अपनी सिंग रख देता है। इस घटनाक्रम के चश्मदीद किसी तरह वक्त रहते स्थानियों को सूचना पहुंचाते हैं और जंगल की और स्थानियों को बढ़ते देख बाइसन भाग खड़ा होता है। इधर किसी तरह घायल महिला को जंगल से निकालकर मादारीहाट अस्पताल में ले जाया जाता है। पारंपरिक उपचार के बाद घायल महिला को अलीपुरद्वार जिला अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। फिलहाल इस विषय पर वन विभाग की कोई प्रतिक्रिया नहीं ली गई है। কি নাম কি ওনার নাম কি আনোয়ারা বেগম। আচ্ছা, আপনার নাম কি? কখন হচ্ছে আজকে? মধ্যমাদারিহাট।